कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुधरना ही नहीं चाहते। आज हम ट्रैफिक नियमों की बात कर रहे हैं। सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ लोगों ने नियम नहीं मानने की जैसी कसम खा रखी हो। कई चेकिंग अभियान के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है। रामगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था पर ये रिपोर्ट देखें। लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए ही ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया है, जिससे चार पहिया, दो पहिया या पैदल लोग भी नियमों का पालन कर अपनी सुरक्षा कर सके। मगर लोग बिना सीट बेल्ट बांधे या हेलमेट पहनने ही गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना में इजाफा हो रहा है। सरकार भी इस पर सख्ती दिखाते हुए चालान काट रही है, मगर लोग है कि आर्थिक दंड के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। हेलमेट नहीं है सर, नहीं पहना सर, हेलमेट पहनने के लिए जल्दी में भूल गया सर। बच्ची का आधार सुधारने के लिए आए थे, तो हम, मेरा हस्बैंड भी साथ खेल रहे थे और हम भी, और बच्ची था, तो बच्ची के चलते हमको रोक लिया सर। जल्दीबाजी में थे सर, नहीं लगाए सर, गलती हो गया सर, और गलती दोबारा नहीं करेंगे सर। एगो हॉस्पिटल यहाँ पे भुगतान कराए थे सबको दिखाने के लिए सर, ठीक है ना, पेट दर्द बहुत कर रहा था, इसलिए मतलब कि आए थे यहाँ पे सर दिखाने के लिए। वहीं इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने कहा कि हम लोग नियम विरुद्ध पकड़े जाने पर पहले चेतावनी देकर छोड़ देते थे, मगर लोग आर्थिक दंड के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा वाहन चेकिंग का आदेश मिलता है, तो हम लोग जब भी आते हैं चेकिंग के लिए, तो बहुत कभी कभी तो देखते हैं कि ना समझ रहे थे, तो लोग को समझाते भी हैं, हम लोग के द्वारा फाइन भी काटा जाता है, अब समझाया बुझाया भी जाता है। कुछ को देखते हैं कि बहुत स्थिति खराब है, हम लोग के द्वारा छोड़ भी दिया जाता है, इसके बाद भी लोग नहीं सुधारने का नाम ले रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की फाइन वसूली की गई है पूरे वर्ष में, इसके बावजूद भी आपका ये सही कहना है कि जो ट्रैफिक नियम का अनुपालन होता है, वो लोगों में अभी इसकी वृद्धि नहीं देखी जा रही है। ये एक सिविक प्रॉब्लम टाइप का हो गया है। इसमें लोग हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी में इंश्योरेंस पेपर रखना, ये सब लोगों के मानसिकता बन गई है कि ये पुलिस से बचने के लिए। ट्रैफिक नियम लोगों की जान बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। आर्थिक दंड तो सुधार का तरीका है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, परिवार की खुशियां बनाए रखें। न्यूज 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।